एंड सलाम सबको मेरा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए नया हेलमेट लेकर आए हैं। आईजीएन 4 की एक सीरीज आपके सामने अभी आप भी आने वाली है, नहीं उसमें से एक नया हेलमेट आ रहा है आईजीएन 4 हाइना। सो आज हम आपको उससे उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि वो हेलमेट कैसा है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, आईजीएन 4 सीरीज का एक आर्टिकल है IGN 4 हाइना। सो मैं आपको उसकी कुछ इनिशियली डिटेल्स बता देती हूँ अबाउट द हेलमेट। हेलमेट की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे। ये तो पहली बात तो ये है कि ये इसका बॉक्स ऐसे रहेगा, इट्स आउटर बॉक्स। बॉक्स ब्राउन कलर का आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये हेलमेट मिलेगा, ये IGN 4 का। तो बॉक्स के बाहर एक ऐसा स्टिकर लगा होगा IGN 4 का। बॉक्स के साथ ही हेलमेट का एक पिक्चर आपको एक पिक्चर मिलेगा, उसके साथ उसका मॉडल के नीचे उसका IGN 4 हाइना बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया होगा। उसका कलर, उसका साइज और उसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स आपको मिलेंगी। आपको पता ही है कि स्टीलबर्ड जो है IGN 4 को मैन्युफैक्चर करता है, तो ये भी स्टीलबर्ड ने ही मैन्युफैक्चर किया, तो इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे बिलो आपको स्टिकर में मिल जाएंगी। मैंने अभी अनबॉक्स कर लिया है ब्राउन कार्टन में से। अब ये इसके अंदर इसका हेलमेट का पैकेजिंग है, जिसमें आपका हेलमेट आपको ऐसा रिसीव होने वाला है, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द लेट्स जस्ट ओपन द बॉक्स। ओपन को आपने यहाँ से बॉक्स करना है, इसके लिए बहुत ही ब्रीफली इन्होंने डिटेल्स दी हुई है आपको कैसे ओपन करना है। एंड सी द हेलमेट, एक ब्लैक कलर की पॉलिथिन बैग में या फिर इसको नायलॉन के कपड़े में ये रैप किया होगा। उसके साथ थर्मोकॉल मिल रहा है अंदर आपको हेलमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अगर जब हेलमेट आपका ट्रांसपोर्टेशन में हो तो वो लगे ना और वो लाइक प्रोटेक्ट रहे, वो कहीं से भी डैमेज और डिफेक्ट होकर कस्टमर एंड तक ना पहुंचे, राइट। सो अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ। हेलमेट जो है वो ऐसे एक नायलॉन बैग में रैप किया होगा, आपको उसको ओपन करना है। देखिए उसके आगे भी एक पॉली बैग दिया हुआ है व्हाइट कलर का, जिसमें इसकी और ज्यादा इसको प्रोटेक्ट किया गया हो, ताकि कहीं से भी चांसेस ना हो कि ये जो हेलमेट है वो डैमेज हो सके। क्योंकि ये जो IGN की या फिर इग्नाइट की बोलू सीरीज है, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की सीरीज होती है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की सीरीज है इसकी। आप इसको जो पकड़ोगे ना, मैं इसको अभी ओपन किया, मैंने इसको अभी जैसे अपने हाथ में पकड़ा, इट्स वेरी लाइट वेट, इसका वेट बहुत ही लाइट है। ऐसा नहीं है कि कहीं से हैवी लग रहा हो, कि अगर आप इंसान अपने सर पे इसको पहन के राइड करे या फिर 10 किलोमीटर की राइड हो चाहे 100 किलोमीटर की हो, उसको फील नहीं होगा, बिकॉज ये एक प्रीमियम क्वालिटी का हेलमेट है। फ्रेंड्स, मैंने हेलमेट अनबॉक्स कर लिया है बॉक्स में से। अभी देखिए मैं आपको हेलमेट के बारे में बताती हूँ। अगर मैं हेलमेट के डिज़ाइन और लुक की बात करूँ, तो इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव ये हेलमेट लग रहा है देखने में, अगर मैं इसको दूर से भी देखूँ। अगर आप इसके फ्रंट लुक की बात करें, तो फ्रंट लुक में ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है, राइट। आपको एक इग्नाइट के बारे में बता देती हूँ, इसमें ना एयर जो होता है, लाइक एयर वेंटिलेशन की बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि आपको कहीं पर भी सफोकेशन नहीं होगी। इसके डिज़ाइन की ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि ये एयर कूलिंग, प्रॉपर एयर कूलिंग का एक हेलमेट है। आपके मैं इस बता देती हूँ, हाइना जो है वो बैक साइड पे लिखा हुआ है, इसके डिज़ाइन पे हाइना का एक दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, जहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ हाइना यहाँ पे। अगर मैं इसके साइड की बात करूँ, तो इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव कलर का यूज़ हुआ है, नियॉन कलर का, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में, आप कहीं पर भी जाओगे आप हर जगह इसको देखोगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। एंड इसकी बात करूँ अगर दूसरे किसी कलर की, तो येस, ग्रे कलर को यूज़ किया गया है। इग्नाइट यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है बहुत बड़ा, ताकि क्योंकि ये इग्नाइट है, तो ऑब्वियसली उसके ब्रांडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी डिज़ाइनर्स ने बहुत अच्छे से उसको कंसिडर किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं इसके बैक साइड की बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो बैक साइड में भी डिज़ाइन बहुत क्लियर बनाया हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, ऐसा बिल्कुल भी देखने में अगली लुक नहीं दे रहा है, लुक्स वेरी नाइस। और यहाँ पे इसके डॉट किस स्टैंडर्ड्स में ये बना है, तो ये डॉट एंड ISI स्टैंडर्ड में बना हुआ है, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली बिग वर्ड्स में यहाँ पे बना दिखाया हुआ है। इग्नाइट का पीछे लोगों के साथ उसका वर्ड्स में उसको दिखाया गया इग्नाइट को। सो ये रहा इसका ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक की बात। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे इसके पैडिंग की।
एंड कंफर्ट की मैं इसकी बात आपको बता देती हूँ। एडिंग में एक स्पेशल बात यहाँ पे देखने को ये मिल रही है कि इग्नाइट का जो लोगो है उसको बहुत ही इन्होंने रखा हुआ है, कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि इसके पैडिंग में भी इग्नाइट के लोगो को डाला हुआ है, उसका यहाँ पे एक उन्होंने रखा हुआ है, इसके डिज़ाइन को मेंशन किया हो गया। अगर मैं इसके अंदर की भी बात करूँ, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट इसके अंदर भी अगर आप इसको जब लोगे आपके पास पहुँचेगा तो इसके अंदर पे अंदर भी इग्नाइट के डिज़ाइन को रखा गया है। और अगर मैं इसके कंफर्टेबल की बात करूँ तो देखिए मुझे इसको टच करके इतना स्मूथ फील हो रहा है ना, तो आई एम श्योर कि इसकी पैडिंग बहुत ही, क्योंकि इग्नाइट की सीरीज है, ऑब्वियसली IGN 4 है, तो इन्होंने कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने पैडिंग भी बहुत स्मूथ दे रखी है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बकल की बात करूँ तो बकल में भी इन्होंने जो ये स्ट्रैप दी है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड, तो इसमें भी यहाँ पे बहुत सेफ्टी को इन्होंने कंसिडरेशन दिया हुआ है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, देखिए अगर आप इग्नाइट के कोई भी हेलमेट लेते हैं उसके साथ आपको ये पैम्पलेट्स मिलते हैं जहाँ पे ये किस स्टैंडर्ड में बने हुए हैं, इसकी डिटेल्स, इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ब्रीफली आपको क्लियर कर दी जाती है। और ये जो साइज वगैरह रहता है तो इसके अंदर एक साइज का आपको टैग भी मिलेगा, वो सारी चीज़ों को भी इन्होंने दिखाया हुआ है। सो ये तो बात रही इसके कंफर्ट्स एंड इसके पैडिंग की। फ्रेंड्स अभी मैं बात करने जा रही हूँ हेलमेट के वाइजर की। वाइजर देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, वाइजर नाइट के जितनी भी सीरीज होती है उसमें आपको ये चीज़ स्पेशली मिलेगी कि उसके अंदर एक एंटी फोक शील्ड होती है, उसके ऊपर आपको एक वाइजर मिलेगा, मतलब प्रोटेक्शन को बहुत ही इन्होंने कंसीडर किया होता है। क्योंकि अगर आपका वाइजर ओपन करना है, आपको बात करनी है किसी से भी या कुछ भी, आपको कंफर्ट में और ज़्यादा आपको लाइक अपने आप को रखना है तो आप इसका वाइजर ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपकी आईज बहुत प्रोटेक्ट रहेंगी क्योंकि इसके अंदर एक आपको शील्ड मिल रही है आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए। तो ये इनकी स्पेशल बात रहती है कि इनके वाइजर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, एंटी फॉग शील्ड्स होती हैं ये, और ये स्क्रैच रेजिस्टेंस होती है। मैं इसके साइज और इसके वेट की बात करती हूँ अभी। इसमें सिर्फ तीन ही साइज आते हैं हेलमेट में, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, और इसका जो वेट है वो सिर्फ 1500 ग्राम रहता है, और वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्लस माइनस का साइन दिया है कि मतलब 1500। अभी मैं बात करने जा रही हूँ इसके MRP की। इसकी MRP है सिर्फ 4749 रुपीज, और आप इसको जाकर ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकते हो लाइक Amazon एंड Flipkart पे, और इसका जो लिंक रहेगा हेलमेट का वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। फ्रेंड्स ये जो मेरे पास अभी हेलमेट है वो है मैट ब्लैक में, ये मैट ब्लैक का हेलमेट है, और इसके जो बाकी कलर्स रहेंगे वो आपको उसके डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अभी मैं बात करती हूँ IGN 4 सीरीज के अपकमिंग हेलमेट की। देखिए इनके जो अपकमिंग हेलमेट्स है वो आ रहे हैं IGN 4 मशीन एंड IGN 7 वॉल फ्रंट। सो इनके नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ऑब्वियसली वो हेलमेट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे, उनमें भी कुछ न्यू क्रिएशन हमें मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, नया स्टाइल होगा, नए डिज़ाइन होंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर को बहुत पसंद आएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये हम आपको जैसे हमने आपको बताया आज हम इग्नाइट का हेलमेट लेकर आए हैं। अगर आपको इन फ्यूचर आप हमसे कोई भी स्टील बढ़ के किसी अदर हेलमेट पे आप हमें चाहते हैं कि हम कोई नई वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए नए हेलमेट्स पे, या कुछ भी आपको किसी भी स्टील बढ़ का कोई भी हेलमेट आप चाहते हैं कि हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, तो डेफिनेटली वी लव टू डू, हम करना चाहेंगे आपके साथ। आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना आपका जो भी पॉइंट है आप रख सकते हो, एंड ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।